और भाई एक भाई और आए हैं वो नेपाल से, बता दे भाई अभी नेपाल से गाड़ी से सेम ड्राइव करके आए भाई। अब देखो भाई तो मैं अपनी गाड़ी का दिखाता हूँ होटर का रिएक्शन, तो पहले मैं हल्के हल्के से डाउन कर लूँ। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देख रहे हो भाई आपको तो टिक टॉप होकर बैग घर से निकाल दिए भाई मैं अपने। तो भाई आज सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम जा रहे हैं जिम। भाई गाड़ी रात आई थी बहुत लेट, तो घर की जगह फार्म हाउस पर खड़ी कर दी भैया ने, तो चाय भी ढूंढ रहा हूँ भाई, 45 मिनट हो गए ढूंढ ढूंढते। और ये बेटे बहुत बढ़िया, ये मुझे लगा नशे से गोली खा लगो दिखा कर ले लगी तेरी। देख रहे भाई सुबह सुबह मार गए नशेड़ी। तो गाइस अभी हम गाड़ी की चाबी, आज तो शायद फंक्शन है हमारे फार्म हाउस में, भैया सह परिवार दावत है, जिसे भी खानी हो आ जाना। गाड़ी की चाबी भाई। हाँ जी। ओ भैया निकल गेट निकल। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, जिम चलते हैं अभी, और तू यहीं ना बैठे, तू लग गया हाथ में मारते तेरी कसम। चल ठीक है सॉरी बापू बापू। बस 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 बस, अरे बस भैया, अरे बस, अरे बस, अरे बस, अरे भाई गेट खोल दो। हाँ जी भाई, तो अभी हम चलते हैं अपने जिम, और जिम के बाद आज मैं शायद स्टीम लूँ। यार मुझे बहुत टाइम हो गया स्टीम नहीं लिए हुए, तो शायद वैसे अरे यार स्टीम लेने के लिए सामान लाया भूल गया मैं। चल कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अपना स्टीम स्टीम लेके, उसके बाद स्टार्ट करूँगा अपना दिन की शुरुआत। अब होटर के तार रहेंगे रखे हैं, इसका मतलब होटर बहुत बजाया गया है अपनी गाड़ी में। भाई एक बात बताऊं तुम्हें, बहुत बढ़िया, मतलब जिस दिन से मैंने गाड़ी में होटर लगवाया ना, भगवान कसम ऐसा हो गया मेरे पास गाड़ी मात्र दिन में 15-20 मिनट रुकती है बस, उसके अलावा गाड़ी मेरे पास नहीं होती। भाई होटल लगवाते ही गाड़ी के भाई गाड़ी जानी है, भाई गाड़ी दे दो भाई, भाई गाड़ी शादी में ले जानी है, भाई रैली में ले जानी है, ऐसा लग रहा है जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी गाड़ी में होटल लगवा के। बहुत परेशान कर दिया हूँ यार भगवान कसम। भाई ऐसा मत करो यार भाई, हटवाना पड़ जाएगा मुझे मजबूर में, बता रहा हूँ 100% कह रहा हूँ मेरे भाई। तो भाई ऐसे गाड़ी वाड़ी मांगना गलत बात है, मांगो पर टाइम से दे जाओ यार। अरे होटल वोटर भाई अपने रिस्क पे ले जाए करो गाड़ी है, बता रहा हूँ जिस दिन मेरी गाड़ी के सीज करवाई तुमने, सूद समेत वापस ले लूंगा ब्याज की गैल। ओ हाँ, टक्कर लग गई का सुबह सुबह। भाई धन्यवाद तेरा। तो यहाँ चलते हैं गाइस सीधा, पहले मैं अंडे खाऊंगा, अंडे खाने के बाद जाऊंगा जिम, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खा के जाना चाहिए वर्कआउट करने के लिए। और मैंने बताया था मैं आज से डाइट पर हूँ, 2 दिन हो गए करते करते, तो डाइट लेने के बाद चलेंगे जिम। भाई पता है तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम बहुत सोच रहे हो भाई ऐसे बड़ी तरीके से जिम क्यों जाते हो तुम, मजबूत हो गए। तो भाई हमारी जिम का क्राउड ना बहुत ही बढ़िया है, मतलब मजेदार ही है, कुछ सीन ही है हमारे जिम क्राउड में, तो मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा। एक दिन क्या हुआ, मतलब अब भाई वैसे ऐसे बात नहीं है, मैं हवाबाजी कर रहा हूँ सबके सामने, बट क्या सीन है मुझे ना अच्छा लगता है गोल्ड पहनना, चैन पहनना ऐसे करके, ठीक है। तो मैं जिम में चला गया, अब जिम में जाते ही ऐसे देख रहे हैं मतलब क्या हूँ मैं, भैया क्या है यो। फिर मैंने पूछा भाई ट्रेनर सा, वो ट्रेनर जानता था कि भाई ऐसे ऐसे, तो मैंने पूछा भाई क्यों देख रहे थे, कह रहे भाई आप चैन पहन पैर के आए हो ना इसलिए देख रहे हैं।
मैंने कह रहे मेरे यार तुम तो ऐसे करो जैसे तुमने कहीं लौंडा ना देखा, मुझे पता हो मैं मलूक वाल लगूंगा अपने घर का, बट जब कोई बात ना भाई देख लो। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा शाय फील करने लगा, यू नो शर्मिंदा हो गया काफ़ी। अब देखो गाड़ी तो मैं अपनी गाड़ी का दिखाता हूँ होटर का रिएक्शन। तो पहले मैं हल्के हल्के सीधे डाउन कर लूँ। तो गाइस अभी हम करते हैं अपना बैक का वर्कआउट स्टार्ट अपने भाई विक्की के साथ, तो लेट्स गो। भाई तो मैं बिल्कुल सच बताऊं, हालत बिल्कुल डाउन हो चुकी है और ये फर्स्ट एक्सरसाइज हुई है पहली। फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी थी? बार बार बेंट रो की थी, सुपाइन ग्रिप में फ्रंट ग्रिप में चार सेट करेंगे, चार सेट सुपाइन ग्रिप हो जाएंगे और चार सेट अपने फ्रंट ग्रिप हो जाएंगे। भाई कर दिया एक्सरसाइज तो खत्म हो गई पर हालत बेकार हो ली। अब सेकंड कौन सी? सेकंड करेंगे हम सिंगल आर्म रोइंग। सिंगल वो हां जो मशीन वाली डंबल से करनी है। आओ आओ चलो। ओ देव तेरे कुत्ते कौन कुत्ते मैं डाल कुत्ते देख कुत्ते कौन कुत्ता मैं दिल लुटे देख लुटे कौन लुटा मैं ओ देव तेरे याद वो दिन जब मैं और मेरे डे वन से ऑन द पेवमेंट सन गेट पेमेंट्स कभी छोड़ के गए नहीं गेम अब ना दे वो ना हेटर्स जस्ट गेट फेमस इनके गाने नहीं चले दे ब्लेमस जैसे खुद लगता है ये बेबस मांगी नहीं हेल्प नो फेवर्स आज दम तेरस पर न्यू स्टेलस अचानक से बने ये लिरिकल कुछ साल पहले कमर्शियल थे माइक पर आई कैन रैप सर्कल्स अराउंड दीस क्लाउंस पर करता नहीं रैप इन साइफर्स ये टच है माइडस दिल की वाइब पर गॉट फॉर फॉर लाइफर्स इन्हें लग रहा है ये पैसा कमा रहे हैं बहुत पर हम ग्रो दीस बैक लाइक वाइपर्स पूरी पावर जाने कुड़ियां देन फलावर जाने वर्कआउट अपना हो चुका है खत्म। वर्कआउट खत्म करने के बाद चलते हैं घर। और भाई मतलब मैं बहुत खुश हूँ आज का वर्कआउट मतलब लगा मुझे हाँ कि बस कुछ वर्कआउट हुआ है। मतलब यार दो तीन दिन से ऐसा हो रहा था वर्कआउट नहीं हो पा रहा था कुछ भी, ना डाइट हो पा रही थी, बट कल परसों से कल से डाइट ली तो आज का वर्कआउट अच्छा हुआ। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है भाई, अगर हम डाइट अच्छी लेते हैं ना तो हमारा वर्कआउट ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाता है। तो वर्कआउट से ज़रूरी आई थिंक डाइट होती है, तो डाइट पे ही फोकस रखो आप अपना। तो अपन हो चुके हैं रेडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से, देख लो सेट ऑल। तो गाइस अभी है अपने फार्म हाउस में, आज है शादी, शादी है तो फार्म हाउस रेडी होने के लिए तैयार हो चुका है। तो गाइस ये अपने यहाँ पे चेयर वेयर होता है खाने पीने के बैठने का सिस्टम, यहाँ ये VIP लॉन्ज है बता चुका हूँ ऑलमोस्ट मैं आपको। वहाँ से गैलरी स्टार्ट है, एंट्रेंस है, उधर DJ लगता है, ये अपना स्टेज है, यहाँ अपने खाने पीने का सिस्टम होता है। तो मेरे को लगता नहीं आज भैया आज है प्रोग्राम। हाँ जी प्रोग्राम आज है, आज गई है तो भाई आज है आज ही। ये रहा अपना लाल बादशाह बोलते बेचारे, जिस दिन फंक्शन होता है उसको पूरे दिन मारना पड़ता है बेचारे को। जब बाबू बस बस चलो बच्चा अपने आज से प्रधान इन द हाउस, क्या हाल चाल? स्मार्ट लग रहा है तो देखिए, देख रहे हो भाई, देख रहे हो एडिटर के 25,000 भर जाएगा। चल चल भाई ठीक ठाक आ जा चल। तो गाइस ये अपनी टार्जन द वंडर कार। गाना बंद कर जल्दी जल्दी कर, कॉपीराइट लग जाएगा। खोलिए पूरा कवर मार के ले जाओ, देखिए रे सही बता कैसे चुराया हो। अच्छा कल तो आ गया पर ओके। तो गाइस अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मर्सिडीज GLA देखने। तो भाई बहुत तगड़े एक नए प्रोग्राम के साथ गाड़ी लॉन्च हो रही है अपनी, नई गाड़ी की बातचीत चल रही है। तो गाइस अभी हम चलते हैं गाड़ी देखने। मत तेरे क्यों सोची नई गाड़ी लेने की, नई गाड़ी लेने की ऐसे दिमाग में क्या है तेरे दिमाग में क्या? थोड़ी डील 10 लाख की तो अपनी गाड़ी बिक रही है। अच्छा जी 10 लाख की जा रही है
भैया देख लो कितनी खड़ी थी। नहीं बताएंगे ये नहीं बताएंगे भाई, देखो गुप्त रहोगे भाई। एलोई बता देंगे भाई, अनित के भाई से 35,000 रुपए एलोई लिए। ठीक है, 35,000 रुपए तक का अपना बजट है, इतना बजट है उसमें डलवाएंगे। 20 इंच एलोई पूरी जेड, तुम मत करवाना जेड ब्लैक, सिर्फ हम करवाएंगे। नहीं हम तुम नहीं करवाओ, तुम मत करवाना। ठीक है गाइस, तो अभी हम चलते हैं गाड़ी देखने के लिए। और कितने की मिली है ये भी नहीं बताएंगे, ये भी सीक्रेट। हां अपने घर परिवार के आदमी तो है, हमें मिली है 20 लाख रुपए में। 20 लाख रुपए कौन सी? 2018 मॉडल GLA। GLA CLA GLA भाई, CLA तो लग्जरी हो गई ना। हां और GLA हो गई फॉर्मेटिक की छोटी बहन। अच्छा बहन लेने जा रहे हो तो फॉर्मेटिक तुम पे भी आएगी, तो तुम पे वो आएगी ना। क्या बड़ी सिस्टर हम, छोटी सिस्टर छोटी तुम्हारे बड़ी माँ, हम छोटी माँ लेने जा रहे हैं। चलो भैया छोटी गाड़ी लेगा मतलब भाई है तो मर्सिडीज। मर्सिडीज रेड कलर, रेड कलर के मेरे भाई, रेड कलर की जेड ब्लैक और पूरी फ्रंट तक तुम्हारी दुआ रही तो ऐसी बनेंगे पूरे NCR में। इसका भाई व्लॉग निकालूंगा स्पेशल बड़ी तरीके से। अभी टेस्ट ड्राइव वेस्ट देगा, अभी जा रहे हैं गाड़ी, अभी फोन लो लाइव फोन करते हैं। पहले पूछ ले भाई कभी दिक्कत हो जाए बाद में, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखेंगे भाई, कल उसकी बुखार हो गाड़ी में अली की, तेरी कसम क्या रॉकेट पेट्रोल में गोली है भाई। मैं कह रहा हूँ तूफान आना कत ही, कहाँ जाना पड़ेगा हमें? जहाँ वॉशिंग करवाते हैं। अरे वही तो वो डीलर निकला कल, वॉशिंग कहाँ करवाते हैं? वॉशिंग कहाँ? वॉशिंग सेक्टर 67 पे जम करवा, उसमें 64 में करवाते हैं, बहुत थोड़ी वॉशिंग करता है। हमने कर दिया फोन GLA को। ये देखो गाइस नाम देखो, नाम और नंबर दिखा दे। नमस्कार, कोई दिक्कत थोड़ी है, फोन मत करना भाई। हमारा नंबर दे ना, कर लो भाई कर लो। अरे हमारे घर प्रैंक कर रहा है तू, बड़े आदमी तो बिचौली अली भाई है सर। अली अच्छा आप ना। हेलो कैसे हो भैया? बढ़िया भैया आप बताओ। बड़े पहचान लिया ना आपने? हाँ पहचाना नहीं भैया। वरना 0005 आप आएंगे? वरना 0005। अच्छा वरना 0005, हाँ जी बताओ। वो गाड़ी दिखवाए थे GLA। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ। GLA हाँ जी करवाओ, करें डील। बताओ मैं यही हूँ, अभी दिखवा दो गाड़ी। कहाँ पर हो? मैं हूँ आपके ऑफिस, आपके ऑफिस पे ही हूँ अभी तो मैं। ऑफिस आ गए? हाँ बस दो मिनट में। आज तो नहीं, आज तो मैं आ नहीं पाऊंगा, कल कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना परसों फोन करता हूँ। नहीं आप आज ही कह रहे हैं, कल गाड़ी दिखा दूंगा, परसों डील कर लेंगे आप ही कह रहे हैं। नहीं नहीं पर नहीं नहीं मैंने कहा आज वो नहीं, पर कल कर लेते हैं। तो कल कर लेते हैं ना, कल दिखवा के कल कर लेंगे। कल किस टाइम दिखवा दोगे? कल 12:00 मैं फोन कर दूंगा सुबह सुबह आपको। ठीक है फोन कर। अभी तो गाड़ी ले भी नहीं नजर में, बहुत तगड़ी ट्रेजेडी के साथ। धोखा धोखा नहीं हुआ बनाए रखो। और गाइस इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, 200 के सून है अपने, यानी कि 3000 भैया। यूट्यूब पर मेरा भी चैनल है प्रधान 0005 करके भाई, वरना की एक नंबर वीडियो है भाई, एक बार जाके जरूर देखना भाई का चैनल। मर्सिडीज का अपडेट मिलेगा तुम्हें, मर्सिडीज का न्यू अपडेट्स आते रहेंगे, प्यार सपोर्ट बनाए रखो। अब चलते हैं हम, दुआ रही तो जल्दी लेंगे मर्सिडीज। है जीप लाइफ ऑफ इंडिया का गैरेज, अभी ले लेते चुम्मा भाई, तुम अंदर से दिखाता हूँ जेन्युइन। ओहो थार खड़ी, किसी खड़ी आ रही उसको काम ही हो रहा है, उस तो हो रहा है, रोक लो। हाँ भाई चलो, उस तो हो रहा है। तो भाई यहाँ पे मैं दिखाऊंगा मैं जेन्युइनली क्या क्या काम होता है यहाँ पे। मतलब पहले जो आसिफ भाई पे थार दी ना, वो हमने यहीं से मॉडिफाई करवाई थी ऑलमोस्ट, और मैं अपनी गाड़ी जो है वो भी मैं अपनी गाड़ी यहीं से मॉडिफाई करवाऊंगा। तो बाहर से तो भाई का ये है, ये अपने धन्नो ऐसा लग रहा है, दो नंबर काम चलो देख रहे हो भाई। तो यह अपना गैराज है भाई, यहाँ सिर्फ थार मॉडिफाई होती है मेनली, ये थार के लिए ही है। अब मैं अपनी गाड़ी पर जो सेरेमिक कोटिंग वोटिंग करवाऊंगा वो भाई यहीं से करवाऊंगा। हाँ जी अनिकेत भाई, भाई अभी हम आए हैं जीप लाइफ ऑफ इंडिया पे पैसा बर्बाद करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत मोटा पैसा है।
जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो हमें छुड़ा देते हैं भाई उसको। भाई हमारे भाई के शोर पर तो भाई क्या सीन है, क्या क्या होता है? मैंने बहुत सुना है भाई इस बारे में कि भाई यहाँ पे मेनली थार मोड़ के होते हैं ना, थार मोडिफाई होती है भाई। जो पिछले अपने आसिफ भाई की थार थी वो भी हमने यहीं से मोडिफाई करवाई थी। तो आसिफ भाई ने मुझे बताया भाई सर पे कौन ढूंढ लिया गाड़ियों पर, तो एक बार भाई के वहाँ चलते हैं शॉप पर जाके उनसे बात करते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो भाई मतलब ऐसा क्या होता है, मतलब गाड़ी वाड़ियों में क्यों इतना है आजकल? देखो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है थार का, थार को लेके वो न्यू थार का जो ट्रेंड आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ही हो रखा है। अब ओल्ड पे जो मेन जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो ओल्ड जनरेशन थार के लिए, तो ओल्ड की मॉडिफिकेशन अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन है। तो हमारा बिजनेस सारा मेन ओल्ड पे ही चलता है, उसमें मेटल हार्ड टॉप्स रेडी कर रहे हैं हम, इंटीरियर कर रहे हैं। बाकी अभी आप आए हो जैसे बोला, हमारे पास एक PPF सेंटर भी है, सेरेमिक सेंटर भी है, तो उसमें हम सेरेमिक कोटिंग और PPF दोनों कर देते हैं। तो भाई की गाड़ी अभी स्कॉर्पियो आई हुई है भाई, किसी में थार ना हो अब तो बात करी बात करी। आज इन भैया की भी डिलीवरी है कश्मीर साहिब, इनकी गाड़ी भी है। और एक कैसा काम रहा भैया गाड़ी का? काम तो काफी बढ़िया हो रहा है, तो तभी तो मैं इधर आया हूं। नहीं काम तो अच्छा है भैया का। और भाई एक भाई और आए हैं नेपाल से, बता दे भाई अभी। हां नेपाल से गाड़ी से सेम ड्राइव करके आए हैं भाई, बताओ। वो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, वो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो भाई क्या है सीन, मतलब कब तक चलना है भाई? भाई 2 दिन की गाड़ी चाहिए वैसे तो, बाकी अपनी गाड़ी से काम कर लेंगे ना वरना से। तो गाइस को मैं खत्म कर रहा हूँ यहीं पे, नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा बिल्कुल डीपली दिखाऊंगा क्या क्या कोटिंग होता है, क्या क्या पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट से लेके लास्ट पार्ट तक जो जो सीन होगा सेरेमिक कोटिंग में वो सब आपको भाई दिखाएंगे। ठीक है भाई। और भाई जनरली अपना अगले ब्लॉग में बताऊंगा पहले काम कैसा है, पहले मैं देख लूंगी और उसके बाद बताऊंगा। नहीं काम तो अच्छा है, मैंने तो सुना है अब तक बता रहा हूँ बिल्कुल। जो थार करवाई ऐसे आस पास तो है नहीं, देखो जो बात है आपने मेरी वीडियो में देखा होगा ऐसे थार नहीं है किसी में, नहीं आस पास बहुत, मतलब पुलिस ने भाई एक बार रोक के ये बोल दिया भाई गाड़ी कुछ बनवाई रखी है। To change your